वेलकम बैक गाइस, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फंगल इन्फेक्शन के बारे में, जिसे आम भाषा में दाद की बीमारी बोलते हैं, या कई लोग इसे दाद खाज खुजली के नाम से, या टीनिया या रिंग वॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये बीमारी देखने में कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें शरीर पर ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। और गाइज, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा पेशेंट फंगल इन्फेक्शन के ही क्लिनिक पर आ रहे हैं, और काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो कि चार चार पाँच पाँच साल से एंटी फंगल मेडिसिन को ले रहे हैं, और वो बताते हैं कि जब तक हम एंटी फंगल मेडिसिन को लेते हैं तब तक ये ठीक रहता है, और मेडिसिन को छोड़ने के बाद ये दोबारा से वापस आ जाता है। लेकिन गाइज, बात कड़वी है लेकिन 100% कोरेक्ट भी है कि ऐसे लोग अपनी गलती के कारण दोबारा से फंगल इन्फेक्शन के शिकार हो जाते हैं, जिन्हें बारी बारी फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। और गाइज, गलती इन लोगों की है, क्योंकि ये फार्मेसी से जाकर ऐसी क्रीम्स को या मेडिसिन को यूज़ कर लेते हैं। एंटी फंगल मेडिसिन या क्रीम होती हैं ये, जिनके अंदर स्टेरॉइड होता है। और गाइज, स्टेरॉइड के जो ये पेशेंट हैं जिन्होंने पहले से स्टेरॉइड क्रीम को लिया होता है, इनको ट्रीट कर पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ऐसे पेशेंट जो स्टेरॉइड क्रीम और मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, इन्हें ट्रीट कर पाना मुश्किल होता है, लेकिन ये कवर अप हो जाते हैं। लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट है ये सामान्य से थोड़ा लंबा चलाना पड़ता है। हालांकि अगर आपको शुरुआती टाइम में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप 5 से 7 दिन के अंदर फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर लेते हैं, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कैसे लेना है। साथ ही अगर आपने पहले से आप कोई एंटी फंगल मेडिसिन को यूज़ कर रहे हैं, या आपने कोई स्टेरॉइड ट्रीटमेंट को भी लिया है और बारी बारी आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि क्लिनिक पर ऐसे पेशेंटों को मैंने 100% कवर अप किया है, उनका फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो चुका है। इसीलिए मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर रहा हूँ। तो पहले हम इस वीडियो में फंगल इन्फेक्शन को जान लेते हैं कि फंगल इन्फेक्शन आखिर क्या होता है, उसके बाद हम इसके साइन और सिम्टम को जानेंगे कि ये जब होगा तब आपको किस प्रकार का महसूस होगा, उसके बाद मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊँगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, और बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। और जब आप इस ट्रीटमेंट को लेंगे तब खाने पीने का परहेज़ भी मैं आपको बता दूँगा कि आपने ट्रीटमेंट के साथ में किन बातों का ध्यान रखना है, आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, और किन बातों का ध्यान रखना है। और उसके बाद मैं आपको कुछ गलतियां बताऊंगा जो पेशेंट ट्रीटमेंट को लेते टाइम जनरली करते हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाएगा तब आपने क्या करना है, जिसके बाद आपको पूरी ज़िंदगी में ये फंगल इन्फेक्शन दोबारा लौट कर नहीं होगा। तो गाइज, आप वीडियो के साथ बने रहें। तो गाइज, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। तो गाइस, पहले फंगल इन्फेक्शन को जान लेते हैं कि आखिर फंगल इन्फेक्शन क्या है। तो गाइस, फंगल इन्फेक्शन एक तरह की फफूंदी, एक फंगल होता है। आपने देखा होगा कि जब आप काफ़ी लंबे समय से अगर किसी गीली रोटी को बाहर रख देते हैं या ब्रेड को इस्तेमाल नहीं करते और वो पड़ा रहता है काफ़ी टाइम के बाद, उस पर ब्लैक कलर की या फिर ग्रे कलर की फफूंदी टाइप बाल जैसे रोमे छोटे छोटे खड़े हो जाते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ये फफूंदी होती है जिसे फंगस कहते हैं। यही हमारे बॉडी पर भी आ जाती है, और आपने नोट किया होगा कि रेनी सीज़न में या फिर गर्मियों के समय जब लोगों को ज़्यादा पसीना आता है तब फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। इसका यही कारण है कि जो फंगस है उसे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो यहाँ पर बात एक ये निकल के आती है कि अगर आप अपने आप को सूखा रखते हैं तो आप इस बीमारी से बच सकते हैं। तो गाइस, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कुछ रिंग की आकृति के होते हैं जो साइडों से उभरा हुआ होता है। शुरुआती टाइम में ये बिल्कुल छोटी शेप का होता है, जिस पर हल्की हल्की खारिश होती है, और जब आप इस पर खारिश करते हैं तब ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। इसकी जो शेप है वो रिंग के आकार की होती है, इसलिए इसे रिंग वॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। खारिश करने पर इसमें से कई बारी पानी भी निकलता है और बदबू भी आती है खारिश की हुई जगह से।
तो ये इसका निशान है, निशानी है कि ये कैसा होगा। और इसका जो गाइस महसूस करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पर हल्की हल्की ख़ारिश होती है, और दिन के टाइम कम ख़ारिश होती है और रात को सोते टाइम ज़्यादा ख़ारिश होती है। और कई बार ही ख़ारिश इतनी ज़्यादा होती है कि जो मरीज़ है वो ख़ारिश करते करते खून तक को निकाल लेता है। और बहुत ही ज़्यादा रात को जो पेशेंट है बहुत ज़्यादा तंग होते हैं, पूरी पूरी रात उन्हें नींद भी नहीं आती, कई बार मरीज ऐसा बताते हैं। तो गाइज़ ये थे सिम्टम्स इसके। तो गाइज़ अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फंगल इन्फेक्शन क्यों होता है। गाइज़ फंगल इन्फेक्शन होने के चार मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण है कि अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को फंगल इन्फेक्शन है तो ये आपको हो जाएगा, मतलब कि किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन को हो जाना। और दूसरा कारण है इन्फेक्टेड पर्सन की किसी यूज़ की हुई चीज़ से एक हेल्दी पर्सन को फंगल इन्फेक्शन हो जाना। और तीसरा कारण है गाइज़ अगर आपके किसी पालतू जानवर को ये फंगल इन्फेक्शन है तो ये आपको हो सकता है, मतलब कि किसी एनिमल से हेल्दी पर्सन को हो जाना। और चौथा कारण है सोइल से, मिट्टी से। कई ऐसे किसान भी हैं जिनके हाथों में या फिर पंजों में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और बहुत ही कम केसेस मैंने देखे हैं कि फार्मर्स को, जो किसान हैं, उन्हें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो गाइज़ अब हमने जान लिया कि फंगल इन्फेक्शन क्या होता है, उसका सिम्टम मैंने आपको बता दिया और उसका कारण भी मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों होता है। अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। तो गाइस ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम है, अगर आपको शुरुआती फंगल इन्फेक्शन हुआ है तब आप इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। यदि आपको काफ़ी लंबे समय से, 3-4 सालों से भी फंगल इन्फेक्शन है और आप काफ़ी परेशान हैं, तब भी आप इस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको 1 या 2 महीने इस ट्रीटमेंट को रेगुलरली लेना है और आपका फंगल इन्फेक्शन जड़ से ख़त्म हो जाएगा। और बाद में आपने जो ट्रीटमेंट लेना है वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको ट्रीटमेंट बताता हूँ। तो गाइस पहली हमारी ट्रीटमेंट की जो मेडिसिन है वो है फ्लूकोनाजोल 200 mg। ये मैं अपने मरीजों को देता हूँ। आप चाहें तो फ्लूकोनाजोल की जगह आप इट्राकोनाजोल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को फ्लूकोनाजोल 200 mg देता हूँ। और किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, जेनरिक आप लें आपको सस्ता पड़ेगा। मैं किसी भी ब्रांड को, किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा। आप फार्मेसी से इसे परचेज कर सकते हैं। आप फार्मेसी में जाएँ, फार्मेसी पर या किसी मेडिकल शॉप पर जाकर जेनरिक फ्लूकोनाजोल आप कह सकते हैं कि हमें जेनरिक फ्लूकोनाजोल 200 mg में दे दीजिए, तो वो आपको जेनरिक दे देगा। और ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं और सेम रिज़ल्ट आता है गाइस। तो आप इट्राकोनाजोल को भी जेनरिक यूज़ कर सकते हैं। दूसरी हमारी मेडिसिन है एटारेक्स, जिसके अंदर आपको हाइड्रोक्सीजिन 250 mg कॉम्पोजिशन मिलता है। ये भी आप जेनरिक यूज़ करें। आप फार्मेसी पर जाएं और आप बोल दें कि हमें हाइड्रोक्सीजिन 250 mg की टैबलेट चाहिए, तो आपको जेनरिक दे देगा। और ये भी काफ़ी सस्ती पड़ती है और इसका भी सेम रिज़ल्ट आता है, तो आप जेनरिक यूज़ कर सकते हैं। और आगे हमारी जो तीसरी मेडिसिन है गाइज़ वो है ग्रीसियोफुलविन 500 mg की, ये टैबलेट है और आप इसे भी फार्मेसी से जेनरिक परचेज़ कर सकते हैं। वैसे इसकी कंपनी भी आपको मैं बता देता हूँ, जोरबैक कंपनी है गाइज इसकी। आप इस कंपनी की टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं, वरना आप जेनरिक भी यूज़ करें आपको सस्ती पड़ेगी ऑफ कोर्स। आगे आप किटोना सोप को भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर केटाकोनाजोल कॉम्पोजिशन होता है, तो ये भी आप जेनरिक यूज़ करें। आप चाहें तो केटाना सोप को यूज़ कर सकते हैं, ये थोड़ी सस्ती पड़ती है, जिसे आप अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हैं और फार्मेसी से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो जितनी भी मेडिसिन है गाइज़ उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, आप चाहें तो वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। और अमेज़न और बाकी साइट्स पे मैंने सबसे सस्ती चीज़ों को देखा है और उन्हीं का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप चाहें तो वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं या फिर खुद जाकर फार्मेसी से या मेडिकल शॉप से परचेज़ कर सकते हैं। आगे हमारी जो मेडिसिन है वो है क्लोसी पाउडर, जिसके अंदर आपको क्लोट्रिमाजोल 1% मिलता है, तो आप क्लोसी पाउडर को भी जेनरिक यूज़ कर सकते हैं। वैसे क्लोसी पाउडर को मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ और ये काफ़ी सस्ता पड़ता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाए।
आगे गाइस जो मैं अपने पेशेंट्स को देता हूँ वो है टर्बिनाफिन 1% की क्रीम है। और अगर आप टर्बिनाफिन को यूज़ कर रहे हैं तो आप ललिकोनाजोल 1% को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको उससे भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो ये लास्ट क्रीम है और इसका बहुत ही ज़्यादा सॉलिड रिज़ल्ट है। जो लोग काफ़ी टाइम से इन क्रीम्स को यूज़ कर रहे हैं तो मैंने ये क्रीम भी दी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, वो है गाइस ऑक्सीकोनाजोल क्रीम है। इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देखा है मैंने पेशेंट्स में। हालांकि मैंने बहुत ही कम 10-15 पेशेंट्स को ये क्रीम दी होगी और उनका भी फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से कवर अप हो गया है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि अब एकदम से ही इस क्रीम को यूज़ करें, पहले आप टर्बिनाफिन को यूज़ करें। अगर उससे रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो आप ललिकोनाजोल को यूज़ कर सकते हैं, अगर उससे भी नहीं आता तो आप ऑक्सीकोनाजोल को यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसका। आगे गाइस हमारी जो मेडिसिन है वो है रिंग गार्ड, आप इसे भी अमेजन से परचेज़ कर सकते हैं। और रिंग गार्ड के अंदर आपको 2 कंपोजिशन मिलते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहें तो अल्टरनेटिव ऑप्शन भी इसका यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको नियोमाइसिन और मिकोनाजोल 2% आपको कंपोजिशन चाहिए तो आप चाहें तो इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि रिंग गार्ड को मैं अपने पेशेंट्स को देता हूं जिसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मैंने देखा है, तो आप चाहें तो इसे भी परचेज़ कर सकते हैं और इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है। साथ ही गाइज आपने बिकासोल कैप्सूल को यूज़ करना है। मैं आपको इन सभी का यूज़ करने का तरीका बताता हूं कि आपने कैसे इसे यूज़ करना है। तो जो हमारी पहली मेडिसिन है फ्लूकोनाजोल, उसको आपने दिन में 2 बार 200 mg के जो कैप्सूल हैं इनको आपने नींबू पानी के साथ यूज़ करना है। आप चाहें तो लिमका या कोका कोला के साथ यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो फ्लूकोनाजोल या इट्राकोनाजोल के जो कैप्सूल हैं इनके लिए SCL का प्रोड्यूस होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्टमक में जो हमारा एसिड निकलता है जिसे गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फ्लूकोनाजोल या इट्राकोनाजोल कैप्सूल का एब्जॉर्प्शन होगा शरीर में, तो उसके लिए एसिड का निकलना ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप कोई एंटा एसिड मेडिसिन को ले रहे हैं तो उसे अवॉइड करें, क्योंकि इसका आपको 100% रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं जो SCL का बनना बंद कर देते हैं, या फिर कोई भी एंटी एसिड मेडिसिन है। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे गाइस रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, ओम्बेप्राजोल कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, तो आप उनका यूज़ ना करें इस मेडिसिन के साथ में। ओके गाइस, तो आपने जो फ्लूकोनाजोल इट्राकोनाजोल आप लेंगे तो उसको आपने आधे नींबू या एक नींबू को 1 गिलास पानी में डालना है, आधा गिलास पानी में डालना है, और उसको आपने लेना है खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार आपने लेना है। और उसके बाद हाइड्रोक्सीजिन 250 mg की जो टैबलेट है उसको आपने दिन में 3 बार यूज़ करना है अगर आपको ज़्यादा खारिश है। हाँ जी गाइस, ये खारिश के लिए, खारिश होने की गोली है। अगर आपको ज़्यादा खारिश है तो ये दिन में आप 3 बार यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको कम है या रात को ज़्यादा इचिंग होती है, खारिश होती है, तो उसे आप रात के टाइम सोते टाइम ले सकते हैं। तो आप जितना मेडिसिन को कम लेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है गाइस आपके लिए। और उसके बाद हमारे बिकासोल कैप्सूल्स आते हैं, इसे आपने दिन में दोपहर के समय लेना है। और आगे गाइज हमारी जो टैबलेट है वो है ग्रीसियोफुलविन 500 mg के टैबलेट है, और इसे मैं दोपहर के समय बिकासोल के बाद 15 या 20 मिनट के बाद बोलता हूँ पेशेंट्स को लेने के लिए। खाना खाने के बाद आप इसे ले सकते हैं। ओके गाइज, तो आगे हमारी क्रीम्स की बारी आती है। तो आपने पहले नहाने का आपने देखना है कि आप किस समय प्रेफर करते हैं नहाना। मैं आपको बोलूँगा कि आप दोपहर के समय नहाएं, और अगर आप दिन में 2 बार नहाएंगे तो सुबह शाम आप नहाएं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप कोई किसी काम पर जाते हैं, मतलब आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, तो आप दोपहर के समय नहाना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है, तो आप सुबह शाम नहा सकते हैं। सुबह के टाइम आपने कीटोना सोप को यूज़ करना है नहाते टाइम, और अच्छे से पूरे शरीर पर मलना है उसे। जहाँ पर इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पर तो आपने मलना ही है, बाकी आप पूरे शरीर पर कीटोना सोप को यूज़ आपने करना है। क्योंकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पर हम नंगी आँखों से नहीं देख सकते, मतलब आँखों से वो इन्फेक्टेड पार्ट दिखता नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे ये होते हैं, और
हाथ लगाने पर, अगर आपने कोई इन्फेक्टेड जगह पर हाथ लगाया और दूसरी जगह आप लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी वो पार्ट इन्फेक्टेड हो जाता है। तो कीटोना सोप को आपने यूज़ करना है पूरी शरीर पर, और 3 मिनट के लिए आप इसे अच्छे से लगा कर छोड़ दें, और 3 मिनट से 5 मिनट तक आप धो लें इसे। और गाइस फिर इसे धोना है अपने, नहाने के बाद अपनी बॉडी को ड्राई करना है। और कई लोग, कई पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर ये गलती करते हैं कि नहाने के बाद वो अपने अंडर गारमेंट्स को पहन लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर दो काम हैं, दो जरूरी बातें हैं। पहला तो ये कि आपने नहाने के बाद एकदम से कपड़े नहीं पहने, पहले आपने अपनी बॉडी को सुखाना है। और गाइज सुखाना भी आपने पतले टावल से है। लोग गलती करते हैं कि वो मोटे टावल ले लेते हैं, आपने कॉटन का पतला टावल लेना है और उसे ऐसे ऐसे पोछना है, ऐसे रब नहीं करना, नहीं तो इन्फेक्टेड एरिया से वो ऊपर नीचे हो जाएगा इन्फेक्शन, और दोबारा से आपको दूसरी जगह पर वो इन्फेक्शन चला जाएगा। तो आपने हल्के हल्के से पोछना है। और सुखाने के लिए आप जो हेयर ड्रायर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, और मैं अपने सभी पेशेंट्स को बोलता हूँ हेयर ड्रायर से आप उसे ऑन कर लें और हीट से अपनी बॉडी को और जहाँ पर इन्फेक्टेड पार्ट है वहाँ पर आप उसे ड्राई करें, क्योंकि गाइस जो फंगल इन्फेक्शन है, जो फंगस है, उसे पैदा होने के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए नमी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर आप अपने शरीर को सूखा रखना सीख जाएं तो ये फंगल इन्फेक्शन ग्रो ही नहीं होगा। तो आप हेयर ड्राई का यूज़ करें, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप चाहे तो अमेज़न से परचेज़ कर सकते हैं या कहीं से भी आप इसे परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और वहीं पर जो फंगस का ग्रोथ है वो कम हो जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। तो गाइज उसके बाद आप सुबह के टाइम आपने टर्बिनाफिन या ललिकोनाजोल या फिर ऑक्सीकोनाजोल क्रीम को लगाना है, और रात के समय आप रिंग गार्ड को लगा सकते हैं। रिंग गार्ड के अंदर दो चीज़ें हैं, एक एंटी फंगल और एक एंटी बैक्टीरियल, और इसके अंदर कोई स्टेरॉइड नहीं है। कई लोग ऐसे आपको बताएंगे कि इसके अंदर स्टेरॉइड है, तो गाइज जो रिंग गार्ड है उसके अंदर स्टेरॉइड नहीं है। एक प्रिजर्वेटिव ज़रूर है लेकिन वो बस एज ए ओडोर के लिए होता है, तो उससे बदबू वगैरह नहीं आती। तो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल इसकी प्रॉपर्टी है। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन के साथ में कोई बैक्टीरिया भी है, जो कि होता है, कई लोग खारिज कर करके वहाँ पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कर देते हैं, जो कि हमारे नेल्स पर होता है, नेल्स में बैक्टीरिया होते हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है। तो आप रिंग गार्ड को रात को सोते टाइम यूज़ करें। और गाइज नहाने के बाद आपने क्रीम को यूज़ करना है। आप चाहें आप कोई सी भी क्रीम लगा रहे हैं, सुबह वाली जो मैंने आपको बताया कि जो टर्बिनाफिन है, या फिर रात को रिंग गार्ड। और उसके बाद आपने क्रीम लगाने के बाद आपने क्लोसिप पाउडर को छिड़कना है, और क्लोसिप पाउडर को आपने दिन में 3 बार छिड़कना है, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और शाम के टाइम। ओके गाइस, तो ये हमारा ट्रीटमेंट था। ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया है कि आपने जो है फ्लूकोनाजोल के कैप्सूल दिन में 2 बार लेने हैं, फिर आपने ग्रीसियोफुलविन की जो टैबलेट है वो दोपहर के समय, एटारेक्स को आपने दिन में 3 बार यूज़ करना है, बिकासोल को आपने दोपहर को यूज़ करना है, और जो फ्लूकोनाजोल के कैप्सूल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपने नींबू पानी के साथ आपने लेने हैं। साथ ही आपने जो टर्बिनाफिन क्रीम है वो सुबह के टाइम, रिंग गार्ड आपने रात के समय, और जो क्लोसी पाउडर है वो आपने क्रीम को लगाने के बाद छिड़कना है अच्छे से, और कीटोना सोप को आपने यूज़ करना है। नहाते टाइम पूरी जगह पर आपने मलना है, और 3 मिनट तक इसको रखने के बाद आप अपने शरीर को सुखाना है, और अंडरवियर्स नहीं पहनने, अंडर गारमेंट्स आपने कुछ भी नहीं पहनना, और सूती जो कॉटन के कपड़े हैं, नाइलॉन के कपड़े आपने नहीं पहनने। जितना पतले कपड़े पहनेंगे, जितनी आपकी हवा लगेगी शरीर में, उतना ही आपके लिए अच्छा है। क्योंकि गाइस जो फंगल इन्फेक्शन है, इसे 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्यार होता है। एक है इससे मॉइस्चर से, और दूसरा है इसे अंधेरे से, और जो गाइस तीसरा है वो है जो आप हाइजीन नहीं रहते, मतलब अगर आप हाइजीन नहीं रहते तो जो गंदगी आपके शरीर पर होगी इससे भी ये काफ़ी ग्रो हो जाता है। तो ये तीनों चीज़ें आपने अवॉइड करनी है ताकि जो फंगस है उसकी ग्रोथ ना हो आपके शरीर में। तो ये हमारा ट्रीटमेंट था। तो आगे मैं आपको खाने पीने का भी परहेज़ बता देता हूँ कि आपने क्या नहीं खाना। तो गाइज़ आपने शुगर, मतलब कि चीनी, मैदा और नमक को बिल्कुल ही अवॉइड करना है, बिल्कुल नहीं लेना। 2 महीने या 3 महीने तक आपने बिल्कुल नहीं लेना। साथ ही आपने अचार, दही, लस्सी को नहीं लेना। खट्टी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी, और स्पाइसी चीज़ें या तली जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो भी आपने बिल्कुल अवॉइड करनी है। साथ ही आपने नॉन वेज नहीं लेना,
मैंने देखा है और खुद ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि जो लोग बाहर की चीज़ें लेते हैं और नॉन वेज ले रहे हैं, उनको जो फंगल इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा कवर अप करने में काफ़ी मुश्किल हो जाती है और काफ़ी परेशान करता है ये फंगल इन्फेक्शन। तो गाइज़, ये कुछ खाने पीने के परहेज़ से इन्हें आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और कुछ टाइम की ही दिक्कत है, आपने 1-2 महीने ही इनको फॉलो करना है, जिसके बाद आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो पूरी तरह से कवर अप हो जाएगा। तो गाइज़, आगे मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि जब आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अगर आपके परिवार में किसी व्यक्ति को ये फंगल इन्फेक्शन है तो साथ में उसे आपने फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट दिलाना है, क्योंकि अगर आपने ये फंगल इन्फेक्शन ठीक कर लिया तो हो सकता है कि फैमिली मेम्बर जो दूसरा है उसे भी ये फंगल इन्फेक्शन हो और वो आपको दोबारा हो सकता है, तो आपको लगेगा कि आपका जो फंगल इन्फेक्शन है वो ठीक नहीं हुआ। और गाइस, जो आपके कपड़े हैं वो आपने धूप में सुखाने, कम से कम 4 से 5 घंटे आपने इसको धूप लगाना है, उल्टा करके आपने धूप लगाना है। और जब भी आप अपने कपड़े पहनेंगे, पहली बात तो आपने अंडर गारमेंट्स कोई भी कपड़े नहीं पहने, और जो आप कपड़े पहन रहे हैं वो भी आपने खुले कपड़े पहनने हैं, और पहनते टाइम आपने उल्टा करके पहले प्रेस करनी है, उस पर आयरन करनी है, प्रेस करने के बाद आपने वो कपड़े पहनने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस परेशानी से निजात पा लेंगे और ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। पूरा का पूरा ट्रीटमेंट आपने लेना है, और जब आपका ट्रीटमेंट जब आपका जो फंगल इन्फेक्शन है ये ख़त्म हो जाएगा, तब भी आपने 15 दिन तक ये ट्यूब्स को लगाना है। आप मेडिसिन को तो बंद कर सकते हैं, 1 या 1.5 महीने तक आपने लेना है, और मेडिसिन को जो ओरली मेडिसिन है जो भी है फ्लूकोनाजोल और ग्रीसियोफुलवीन और बीकासोली, आप 1.5 महीने तक या 2 महीने तक लें, उसके बाद आप बंद कर दें। क्रीम को आपने लगाना है, और क्रीम को गाइज आपने 15 दिन एक्स्ट्रा लगाना है, क्योंकि जो फंगल इन्फेक्शन के स्पोर्स हैं, जो बीजाणु हैं, वो पार्टिकल्स पे रह जाते हैं, और कई लोग क्रीम्स लगाने में गलती भी करते हैं, जो कि मैंने मेरे पेशेंट्स से ही एक्सपीरियंस किया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर सपोज़ करें कि यहाँ पर अगर फंगल इन्फेक्शन है तो जो पेशेंट है वो ट्यूब लेते हैं, उंगली पर लगाने के बाद फंगल इन्फेक्शन की साइड पर ही लगा देते हैं, लेकिन ये गाइस तरीका बिल्कुल गलत है। अगर सपोज़ करें कि आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है यहाँ पर, तो आपने 2 सेंटीमीटर बाहर की साइड क्रीम को लगा के और उसको फिर अंदर अंदर ऐसे लेके आना है, या फिर आप ऐसे भी अंदर लेके आ सकते हैं। तो गाइस, ये तरीका होता है क्रीम लगाने का। क्रीम लगाने के बाद आपने ग्लॉसी पाउडर को छिड़कना है, और गाइस जब आप ये अपना ट्रीटमेंट ले लेंगे, पूरा इसको कवर कर लेंगे, 15 दिन क्रीम लगा लेंगे, और जब आपकी ये मेडिसिन ओरली जो मेडिसिन है ये बंद हो जाएंगी, तब आपने अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, ताकि आपको दोबारा से ये फंगल इन्फेक्शन ना हो। और उसको बूस्ट करने के लिए आपने 2 चीज़ें करनी हैं। पहली तो है आपने अपने शरीर में जितनी भी गंदगी है उसको बाहर निकालना है, उसके लिए आप कोई भी ब्लड प्यूरिफायर ले सकते हैं, और मैं अपने पेशेंट्स को साफ़ी, जो हमदर्द की साफ़ी होती है 500 ml की, वो मैं देता हूँ। तो आप चाहें तो उसे ऑनलाइन से परचेज़ कर सकते हैं फार्मेसी से, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। साथ ही इम्यूनिटी को बिल्डअप करने के लिए आप एलोवेरा जूस को, जो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहा, ग्लो का जूस है वो काफ़ी रिज़ल्ट देता है, तो आप चाहें तो ग्लो का जूस पी सकते हैं, या फिर आप सेप्टालीन सिरप आती हिमालय की, वो आप 10 ml दिन में 3 बार लें, और साफ़ी को भी आपने दिन में 3 बार लेना है 10 ml। कई बारी साफ़ी को यूज़ करते समय लूज मोशन लग जाते हैं, जो कि एक अच्छा साइन है, इससे आपके जो शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी पेशेंट्स में होता है, 4-5 दिन की दिक्कत है, जिससे आपका जो पूरा शरीर है वो पूरा क्लीन हो जाता है। और हमदर्द की जो साफ़ी है और सेप्टलिन सिरप है वो आपने 3 महीने तक यूज़ करनी है, और नहाते टाइम आपने किटोना सोप है वो 2 महीने तक यूज़ करना है, उसके बाद आप कोई भी नीम का साबुन है या नीम का पानी बेस्ट है आपके लिए, तो वो आपने 6 महीने तक यूज़ करना है। मार्गो सोप आती है वो आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। और गाइज, नीम जो है वो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टी का होता है, जो आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, यूज़फुल है, तो आप चाहें तो उसे पूरी ज़िंदगी भर यूज़ कर सकते हैं, आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। साथ ही जब आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं हमारा है, तो गाइज़ आप नहाने से पहले खट्टा जो दही होता है, 4 या 5 दिन पुराना दही आपने बिल्कुल खट्टा खट्टा लेना है, जिसके अंदर एसिड फास्ट बैसिली नाम का बैक्टीरिया है, जो कि फंगल को
खा जाता है तो आपने जो खट्टा दही है वो अपने पूरे शरीर पर मलना है अच्छे से, और फिर उसके बाद आपने उसको गुनगुने पानी से धोना है। और कुछ पेशेंट ये भी गलतियां करते हैं कि वो खारिश करते रहते हैं जिससे पानी निकलता है और दूसरी जगह पहुंच जाता है और वो पूरी तरह से कवर अप नहीं होता। तो आपने खारिश नहीं करनी, आप एटरेक्स गोली को यूज़ करनी जिससे आपकी जो खारिश है वो कम हो जाएगी। और गाइज आप धूप से भी अवॉइड करें क्योंकि जो धूप में अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो भी फंगल इन्फेक्शन के लिए अच्छी नहीं होती, वो ट्रिगर करती है फंगस को एक्टिव होने के लिए। आपने नोटिस भी किया होगा कि जब आप धूप में निकलते हैं तो ये दोबारा से एक्टिव हो जाती हैं। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो फंगल इन्फेक्शन के ऊपर। आई होप मैंने जो आपको जानकारी दी है वो काफ़ी यूज़फुल होगी। तो गाइज ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइज़ अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही अगर आप मुझे किसी बात को लेके सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।